हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 7 पदक। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था। भारत ने 6 कांस्य और 1 स्वर्ण मेडल जीता है। क्वेश्चन 2, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सुखोई 13 MKI के द्वारा। DRDO ने देश के सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी तुलना रूस की KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा प्रक्षेपित कर किया गया था। अब हम बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर की। आगरा में वायुसेना के द्वारा भीष्म नाम का पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। DRDO ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉरपीडो का परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन 3, भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अब हम बात करते हैं कि रोपवे क्या होता है। रोपवे में तारों के द्वारा एक ट्रॉली में बैठकर बिजली से चलने वाले एक साधन जो नीची जगह से ऊपर की तरफ जाता है। वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह रोपवे पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। यह रोपवे वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। इस रोपवे से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, क्योंकि यह रोपवे प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं 2024 में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है। धर्मशाला स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बना है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। एशिया का पहला 4 दिन वर्क वीक वाला देश सिंगापुर बना है। बिहार ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन 4, 2024-26 में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत। कोलंबो प्रोसेस क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। भारत ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस के 12 देश सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। क्वेश्चन 5, प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए क्यूबसेट लघु उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाले ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। क्यूबसेट एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन 10 किलोग्राम से भी कम है। प्री फायर की फुल फॉर्म है पोलर रेडिएट एनर्जी इन द 4 इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं नासा से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। नासा ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन लॉन्च किया है। नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना तैयार कर रहा है। नासा और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के लिए 2026 में ऑर्टेमिस 3 मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन 6, T20 विश्व कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। 2024 में T20 विश्व कप का नोवा संस्करण 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। T20 विश्व कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहली बार पुरुषों के T20 विश्व कप के लिए कनाडा और युगांडा ने क्वालिफाई किया है। अमेरिका सह मेजबान होने के कारण पहली बार भाग ले रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए
नंदिनी डेयरी को स्कॉटलैंड टीम का प्रायोजक बनाया गया है। T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक अमूल होगा। क्वेश्चन 7, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन 8, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा भी लगाया है। 2024 की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। क्वेश्चन 9, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंदर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, शंकर लालवानी। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर हुए हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 सीट। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक है। क्वेश्चन 10, किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रकाश। हिंदी साहित्य भारती पहल सांस्कृतिक और साहित्य प्रयासों को बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करती है। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य भारती के द्वारा मुंबई में दिया गया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।